जब भी हम धूप में जाते हैं तो जो हमारे स्किन का कलर होता है वो 3-4 शेड डार्क हो जाता है हमारे एक्चुअल कलर से। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके लिए एक डिटेन पैक बताऊंगी जिसे आप कंटिन्यू यूज करोगे तो आपकी सारी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन एक अच्छे क्लिंजर की तरह तो वर्क करता ही करता है, लेकिन ये टैनिंग को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। मार्केट में जितने भी डिटेन फेस पैक मिलते हैं जो हम घर पे बनाते हैं, मोस्ट ऑफ में बेसन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है दूध की मलाई। 1 बड़ा चम्मच मैंने फ्रेश दूध की मलाई लिया है। इसे अप्लाई करने के बाद स्किन नरिश हो जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से टैनिंग रिमूव होती है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबल स्पून हल्दी लिया है, यानी कि टर्मेरिक। हल्दी के बेनिफिट सबको पता है। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। मैंने यहाँ पे 1/2 लेमन लिया है। लेमन में नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे स्किन को लाइट करता है और इससे हमारी टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। अगर लेमन आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो यहाँ पे आप 1 बड़ा चम्मच टोमेटो का पेस्ट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो भी लेमन का जूस है 1/2 लेमन का, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जब हम पेस्ट बनाएं तो लम्ब्स ना रहे, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट मैं लूँगी रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम पेस्ट बनाएंगे। अच्छे से सबको मिक्स करके मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। ध्यान रखें आपका पेस्ट जो हो वो ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो इस तरह की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो ये जो हमारा डिटेन पैक है ये बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप इसे अपने फेस पे ही अप्लाई करो, आपको जहाँ पर भी टैनिंग है, लाइक अगर आपको अपने पैरों में टैनिंग है, हाथों पे टैनिंग है, फेस पे टैनिंग है, तो आप वहाँ पर इस पैक को अप्लाई करो। मैं आपको इसे अपने हैंड पर भी अप्लाई करके बताऊँगी। अभी आप इसे नेक पर भी अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट मैं अपने हैंड पे अप्लाई करूँगी क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमें टैनिंग होती है वो हाथों और पैरों पर ही होती है, चेहरे पर तो हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं। तो आप इस तरीके से अपने पूरे हाथ पे अप्लाई कर लें जहाँ पर भी आपको टैनिंग होती हो। मैंने इसे अपने फेस पे हाथ पे अप्लाई कर दिया है। अब मैं वेट करूँगी इसके सूखने का। यहाँ पे यह अच्छे से सूख चुका है 10-15 मिनट बाद। अब आपको थोड़ा सा पानी लेना है, बिल्कुल ज़रा सा अमाउंट में, और जैसे हम स्क्रब करते हैं ना आपको वैसे इसे निकालना है, इस पैक को स्क्रब करते हुए निकालना है। इस तरीके से सर्कुलर मोशन में रब करना है और ऐसे आपको पैक को निकालना है। इससे आपका जो पैक होगा ना वो इजीली निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं अपने हाथ से भी निकाल लूँगी। ये देखो हाथ से तो ईजिली निकल चुका है। मैंने हाथ पे कम पानी का यूज़ किया था, फेस पे ज़्यादा पानी का यूज़ कर लिया था। अब जो भी बचा बुचा पैक है इसे आप वॉश कर लें। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, मैं क्लीन टॉवल के हेल्प से इसे पोंछ लूँगी। इसे अप्लाई करने के बाद मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही थी, मॉइस्चर था स्किन में, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई फील नहीं हो रही थी जो जनरली पैक के बाद होती है। अब एक बार ट्राई करना है इसे। इस पैक को 3-4 बार यूज करके आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, तो एक बार जरूर यूज करिएगा और आपको जो भी एक्सपीरियंस हो वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे